श्री पुलिनवेद पांडा जी ये कह रहे हैं कि मालिका के अनेक ग्रंथ में ये प्रमाण मिलता है कि एक होने वाला है शायद सोलर स्ट्रॉम या फिर और भी कुछ प्राकृतिक आपदा ऐसे आएंगे जिसमें सैटेलाइट काम करना बंद कर देगा, बैंकिंग सिस्टम डैमेज हो जाएगा, पावर सिस्टम काम नहीं करेगा, खाली इतना ही नहीं मोबाइल जो है आपका हाथ का खिलौना बन के रह जाएगा, ये समय भी आने वाला है। यस, ये सिर्फ सोलर स्टॉर्म के लिए नहीं है। और किसके लिए है? ये स्पेस वार के लिए होगा। स्पेस वार, हम मान लीजिए चाइना का उपग्रह खत्म कर दिया रॉकेट ड्रीम, वो हमारा उपग्रह खत्म कर देगा। हजारों उपग्रह है ऊपर में दूसरी जो गुइंदा काम करता है, किस देश में कौन सा कहा क्या 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 है इंटेलिजेंस, तो उसको खत्म करेगा, उसके बीच में ये भी खत्म हो जाएगा सैटेलाइट की। तो विभिन्न कारण के लिए सैटेलाइट सब खत्म हो जाएंगे, नहीं रहेंगे। और जब एक वार खत्म होगा उस टाइम में शायद कोई लोग नहीं रहेगा जो इसको दोबारा बना के छोड़ सकता है, कोई कंट्री शायद नहीं रहेगा उसमें, तो वैज्ञानिक नहीं रहेंगे, खत्म वो मर जाएंगे शायद। कुछ न्यू थिंग्स विल कम, जैसे था पहले ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा, मतलब इंसान की जो बनी बनाई हुई जो मैकेनिज्म, ये जो सिस्टम है, हाँ, वो हमेशा हमेशा के लिए डैमेज हो जाएगा। ऑलमोस्ट ओके, कुछ रहेगा, ऐसा नहीं कि पूरा खत्म हो जाएगा, कुछ रहेगा लेकिन नहीं रहने के बराबर। जो सुविधा हम अभी मिल रहा है हम लोग को, जैसे आराम से रहते हैं हम लोग, ऐसी है गाड़ी है फोन है जहाँ चाहेंगे वहाँ जा सकते हैं, ये सुविधा नहीं रहेगा। जो कल के लिए जो किताब है, एक मिनट, वो किताब जो है उसमें मैं बिल्कुल आ जाऊंगा, 71 71, इसमें कुछ लिखा है, आप जरा उड़िया भाषा में पढ़िए फिर हमारे दर्शकों को हिंदी में समझा दीजिए। इसलिए लिखा है, जो पढ़ रहा हूँ मैं अभी, जी जी जी, इसलिए लिखा है कि ये सब जो जो अभी जो संहार होगा, हाँ, नहीं, वो करेंगे, पढ़ लीजिए अगर नहीं, नहीं उड़िया में है, आप कोई दिक्कत नहीं है, वो बात नहीं, हाँ। जो संहार होगा किस लिए होगा? अच्छा, उसका रीजन दिया है, उसका रीजन इसमें रीजन दिया है, दिया गया है जी। हेतु चेताधरी सुणरे पोए कलिरे भक्ते करिबे अन्याय, गुरुद्रोही हेबे जतक भक्त ताकु गुरु केवे न देवे भक्त, ताक बेक मोड़ी खाइबे देवी पलाय जीवाकू नथिव बुद्धि, लेछ निधन दुष्ट संघारर करिब निश्चय पड़की राम। ये कौन से ग्रंथ से लिया गया है? ये भीम भोग का पद्मकल्प है जी, वो लिखा है जी। वो लिखा है कि बहुत से लोग दुग्धा भक्ति में, दुग्धा भक्ति में भक्ति है नहीं है ऐसा आचरण में रहेंगे, 50-50 वो गुरु को नहीं मानेंगे, अच्छा अच्छा गुरु का विद्रोह करेंगे, बहुत अन्याय करेंगे, वो लोग गुरुद्रोही ही होंगे, उन लोग को प्रभु कभी माफ नहीं करेगा। तो क्या होगा? तो उसको देवी, विंड देवी उन लोग को मार देंगे, चाहे विभिन्न डिजीज में हो या कोई एक्सीडेंट में हो या प्रलय में हो, जो भी हो उनको खत्म हो जाएंगे। उसको लक्ष्य निधन दुष्ट संघारण करीबी निश्चय करती राम। इधर एक चीज हम बोलता हूँ, रामचंद्र चेतायेगा, रामचंद्र वो खुद करके अवतार है, इसलिए उसको करकी राम बोलते हैं। कोई दशरथ भी बोलता है, कोई रघुवंश भी बोलते हैं, विभिन्न नाम प्रभु का जो नाम सब है रामचंद्र जी का, वो विभिन्न नाम में करकी अवतार को बुलाते हैं, हंसगा बोले हैं वैसा ही, भीमोई भी ऐसा बोला है। तो उसमें क्या है, प्रभु जो आएंगे इस टाइप के जो आदमी सब है अभी भर्ती है, अराउंड 80% प्रोफेसर लाइक दैट, कोई भक्ति नहीं, कोई भाव नहीं, वो देखा है कि जाते हैं मंदिर, जाते हैं मजा बहुत, मंदिर करने के लिए जाते हैं, अब देव देखने के लिए कैसा है, जैसे जगन्नाथ मंदिर में हो रहा है अभी, जगन्नाथ देखने के लिए कैसा है, कितना बड़ा है,
हम लोग देखे ओनली ये टीवी में देखे है ना, तो कितना बड़ा है कैसा देखते हैं वो देखने जाते हैं, भक्ति में बहुत कम लोग जाते हैं। अब एक चीज़ मार करेंगे पूरी जब जाएंगे तो सिंहद्वार का बाहर में बहुत से लोग करीब 500-600 लोग खड़ा होके वहीं नमस्कार करके चले जाते हैं। हाँ हाँ सही बात है, सही बात है, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। अभी तो नहीं, अंदर नहीं जाते, अंदर नहीं जाते हैं क्योंकि ऐसा क्यों अंदर जाने से कोई फायदा नहीं, अब कुछ दिख नहीं पाएंगे तो पास में ठीक खड़ा नहीं हो पाएंगे, अब धक्का मार के निकाल देंगे। ये तो इस होता है, किस लिए होता है, इसमें गवर्नमेंट का ही भूल है। लेकिन मालिका में ये भी तो लिखा है भक्तों को पड़ी हुआ कसौना, yes. जो भक्त हैं उनको बहुत सारे प्रॉब्लम मतलब असुविधाओं की सामना। मेन थिंग ऑफ मालिका भक्त लोग को कष्ट लगेगा उसका प्रभु उद्धार करेंगे, प्रभु उसका उन लोग का वचन दिया है कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, मैं हूं, मेरे चरण में शरण में रहो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत कष्ट होगा लेकिन वो कष्ट तुमको मालूम नहीं पड़ेगा। अच्छा और एक बात बताइए, 2022 के दिसंबर के महीने में आपने प्रेडिक्ट किए थे लगभग वो बात सही हुआ, सच साबित हुआ, बहुत सारी मालिका के जो रिसर्चर ये भी मानते हैं साल 2023 इस शताब्दी के खराब वर्ष है, ये मानते हैं, आपने भी इसको सहमत दिए हैं। अभी आधा वर्ष चला गया, आधा वर्ष बाकी है और सामने आ रहा है मीन शनि योग, इसके बारे में आपका क्या मानना है? देखिए मैं पहले उस टाइम जब 2030 के लिए वार्ता किए थे हम लोग जी, उसमें एक चीज बोला था कि 2023 होगा स्टेपिंग स्टोन, सीढ़ी का पहला पड़ाव अच्छा वर्ल्ड वार के लिए, और इसमें 2023 में मोस्ट पॉसिबिलिटी है वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाएगा, आरंभ हो जाएगा, आरंभ हो जाएगा। अभी तो वर्ल्ड वार चलता है, इंडिया के चलता है, 32 कंट्री यूरो सपोर्ट करते हैं, उसका आदमी आके अंदर में काम करते हैं रशिया के अगेंस्ट में, तो ऑलमोस्ट वर्ल्ड वार है लेकिन डिक्लेयर नहीं हुआ, नॉट डिक्लेयर वर्ल्ड वार, डिक्लेयर वर्ल्ड वार हो जाएगा। अच्छा मतलब अभी एक तरीके से जो अघोषित युद्ध चल रहा है वो अनाउंस किया जाएगा, आरंभ हो गया, ये तो काम नहीं हो पाएगा तो होगा, भारत फंसेगा, भारत फंसेगा 24 एंड को या 25 को, 24 एंड को, अभी नहीं मतलब एक डेढ़ साल अभी हाथ में है, है एक साल हमारा हाथ में है। अच्छा तो ये बताइए कि 2023 आधा साल बाकी है और मीन शनि योग अभी आने वाला है, 23 में और कुछ हो मतलब होने वाला है, आपके गणित क्या कहते हैं 2023 में जो आधा साल बाकी है, तो मतलब आपका गणित क्या कह रहा है और क्या कुछ होने वाला है? वाह मेरा भावना ये है 23 में तो जैसे बोला पर थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगा 23 में ही, हाँ थर्ड वर्ल्ड कोई भी अभी चारों तरफ घेर के रखा है, अभी यूक्रेन बॉर्डर में हो या दूसरा कंट्री बॉर्डर में हो रशिया घेर के रखा है नेटो वाला, अभी कभी क्या होगा ठिकाना नहीं, तो एक सिंपल मिस्टेक फ्रॉम समबडी क्लियर कर देगा वर्ल्ड वॉर को, सिंपल मिस्टेक फ्रॉम अमेरिका जानबूझ के करवाएगा या फिर अमेरिका जिद्दी, अच्छा जिद्दी हम रशिया को हराएंगे, रशिया हमको क्षमा मांगेगा, क्षमा प्रार्थना करेगा, ये जो जिद्दी पकड़ के बैठा है बाइडेन सफल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल टू डिस्ट्रॉय रशिया कंप्लीटली, दूसरे टाइम ये में आपका अमेरिका को बहुत क्षति होगा, यूरोपियन कंट्रीज खत्म हो जाएंगे, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे बहुत सारे कंट्री रहेंगे नहीं। क्या ये भविष्यवाणी नोस्ट्राडामस ने भी किए थे? यस मालिका में भी दिए थे, पंच सखाओं ने भी किए थे, क्या लिखा है एक्चुअली में उसमें? ये है कि आपका जो पश्चिम देश जी
छाकार हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, छाकार हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे जी, उन लोगों का 80% पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा। अच्छा, उनके देश का 80% पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कुछ कंट्रीज समुद्र के अंदर चला जाएंगे, समुद्र की दलदल में लीन हो जाएंगे, लीन हो जाएगा हमेशा के लिए। आपका इंग्लैंड का, ब्रिटेन, ब्रिटेन का एक पोर्शन समुद्र के अंदर में चला जाएगा। तो अभी तक तो इतिहास में ऐसा कोई मतलब नहीं आएगा, वो टाइम आ रहा है ना, दिखाने गया वो टाइम आ रहा है। अच्छा, और नॉस्ट्रॉस के हिसाब से पहले बार इंग्लैंड पराजित हो सकता है, पहली बार अभी तक इंग्लैंड पराजित हुआ है ना, दूसरे देशों को पराजित करता है, अपने अधीन में रखता है, वो भी किसी अधीन, किसी के अधीन में जाएगा, बाय मुस्लिम कंट्रीज। यस, कौन पूरा टूट में ये तब ये आपका मुस्लिम कंट्रीज सभी हो जाएगा, ऑल मुस्लिम कंट्रीज विल वाइंड आउट, टुगेदर हो जाएंगे वो। जो अभी देखिए जो लास्ट 6-7 ईयर्स आप स्टडी करिए, सब यूरोपियन कंट्रीज में अराउंड 30-40% पॉपुलेशन मुस्लिम है, ये लोग उसको पना दिया है। उधर गए थे वो लोग, खाना पाना नहीं है, कुछ नहीं है, बैठ रहने के लिए गए थे। नाउ दे आर डिमांडिंग थिंग्स, हमारी डिमांड कर रहे हैं, हमको जगह दो, मस्जिद बनाएंगे, हमको जगह दो, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, वो लोग रेस्पेक्टफुल होंगे। अच्छा, ये 2026 की अब बात करें, 2026 की बात है, 26 की अब बात करें। अच्छा, मतलब तब जो है मीन शनि योग जो है चल रहा होगा, चल रहा होगा। अच्छा, ये सिलसिला लगभग कब से कब तक चलेगा? ये मेरे ख्याल से सुनिए, एक चीज मैं आपको आज बोल देता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं नवंबर 24 में मीन शनि योग स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन नेट पे जो आता है वो है आपका 27 मार्च 25, 27 मार्च 25 को मीन शनि योग स्टार्ट होगा। अच्छा, ये लोग बोलते हैं कि ये दिन जो गुरु जो बोलते हैं आपका नवंबर में आएगा बोल के, तो उस दिन गुरुवार होगा जैसे रखा है, इसी दिन आएंगे, लेकिन नेट पे आते जो आता है उस दिन का तो आप जब लेंगे, उस दिन अमावस्या होगा, उस दिन सूर्य पराग होगा, पंचग्रह कुट होगा, उसी टाइम में मीन राशि में शनिश्चर प्रवेश होंगे। अच्छा, वो एक्चुअली में एक तिथि है, उसी तिथि में ही ये सब होगा। हाँ जी, जी, जी। तो मान लीजिए हम 25 को मार्च को ले लेते हैं हिसाब में, तो आपका करीब करीब 27 एंड 28 उसमें 6 महीना बकर होंगे कुंभ को पूरी, तो क्या हुआ है आपका 28 स्टार्टिंग मार्च तक इन संयोग रहेगा, जिसे पहले हुआ था उसके पहले का इन संयोग था 95 से 98 मार्च तक था, राजा का 32 से 34 साल तक, तो इससे इस टाइम भी वही होगा। तो अगर वो हो गया तो आप मान लीजिए 27 एंड तक चलेगा, 25 से 27 एंड तक 2.5 साल जी, उसमें सब खत्म हो जाएगा, उसमें सब होगा ना। अच्छा, तो अंत में बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि भक्तों के लिए आपका क्या रहेगा संदेश? जो आप जो प्रभु के पास शरण में है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बालिका में लिखा हुआ है कि जब प्रलय आएगा, सुनामी आएगा, जहां भक्त होंगे वहां पानी डिवाइड हो जाएगा, जहां भक्त होंगे उधर पानी नहीं आएगा, या वो जगह सडनली ऊपर चला जाएगा, ऊंचा हो जाएगा, पहाड़ जैसा हो जाएगा, तो भक्त रक्षा पे मिल जाएगा, भक्तों को कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो आप लोग को कोई डरने का सवाल नहीं है, कोई भय करने का सवाल नहीं है, प्रभु के शरण में रहिए, प्रभु को चिंतन करिए और प्रभु को प्रार्थना करिए कि कैसे ये पृथ्वी रह जाए, पृथ्वी ध्वंस न हो जाए। आदमी की जो पॉपुलेशन है वो तो घट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन रहे, ये नहीं कि सभ्यता खत्म हो जाए,
और जो भक्त है भक्त सब भक्त का रक्षा करें। तो प्रार्थना आप करिए प्रभु के पास, चुपचाप रहिए, कोई डर डर बिना रहिए, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जी। आपको हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, आभार। तो बड़ी लंबी समय से आप अभी सुन रहे थे मालिका रिसर्चर, कल की लीला पुस्तक के राइटर श्री पुलिन बिहारी पांडा जी को। श्री पुलिन बिहारी पांडा, आपको बिल्कुल बहुत सारे खुलासा किए मालिका में जो लिखा गया है। तो उनका एक प्रेडिक्शन ये भी कह रहा है, तो श्री पुलिन बिहारी पांडा जी ने पहले भी जो प्रेडिक्शन किए थे वो बिल्कुल सच साबित हुआ था। लगभग ये प्रेडिक्शन किया गया था दिसंबर 2022 में, और आने वाले समय में भी क्या कुछ होगा उसके बारे में भी पुलिन बिहारी पांडा जी का ये मानना है कि 2023 के अंतिम समय तक विश्वयुद्ध आरंभ हो गया होगा। समय साक्षी है, देखते हैं आगे क्या कुछ होने वाला है। तो देखते रहिए हमारे चैनल, मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक जय जगन्नाथ, जय पंत, जय पंत सखा।